वो महापुरुष एकटक मुझे देख रहे थे। कौन है आप? सत्य का रक्षक समझ सकते हो मुझे। सत्य की रक्षा के लिए ही आज मैं तुम्हारे पास आया हूं। सत्य की रक्षा? हाँ, तुम उस निशान को लेकर चिंतित हो जो इस दैत्य के वध के पश्चात तुम्हें प्राप्त हुआ है। लेकिन आपको यह कैसे मालूम? क्योंकि वो सत्य के प्रतिद्वंदी पाप का निशान है। लेकिन ये निशान तो 6000 वर्ष पुराना है। ये लोग भी उतने ही प्राचीन हैं जो इस संसार में पाप को फैला रहे हैं। ये लोग अलग अलग रूप बनाकर इस संसार में घूमकर पाप को बढ़ाते हैं। कभी कभी पारदर्शी बनकर वातावरण को कलुषित बनाते हैं, परंतु सत्य का प्रहार होते ही ये लोग अपने असली रूप में आ जाते हैं। उसी प्रकार वो पारदर्शी दैत्य भी तुम्हारे प्रहार के पश्चात अपने असली रूप में आ गया था। तो आपका मतलब सारे संसार में पाप फैलाने वाले यही काराडुंगा में मौजूद है? केवल यही नहीं, बल्कि इस संसार के बहुत से स्थानों पर उनका निवास है। उनमें से एक ये है, और यहां का रहस्य तुम्हें शीघ्र ही ज्ञात होने वाला है। तुम्हें सारे संसार के सामने इस रहस्य को खोलना होगा, इससे सत्य की रक्षा होगी। परंतु इसके लिए तुम्हारा यहां रुकना आवश्यक है। अतएव तुम यहां से लौटने का निश्चय त्याग दो। आपको यह भी मालूम है कि हम यहां से लौटने की सोच रहे हैं? हाँ, सत्य की आंखों से कुछ भी छिपा नहीं रहता। तब तो आपको यह भी मालूम होगा कि हम यहां से जाने की क्यों सोच रहे हैं। तुम व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हो अपनी धर्मपत्नी और होने वाली संतान के लिए। धीरज रखो, सदैव वही होता है जो ईश्वर की इच्छा होती है। तुम्हारी संतान का जन्म संकटों के बीच ही होगा, यही ईश्वर की इच्छा है। लेकिन क्यों? क्योंकि असाधारण लोगों का जन्म साधारण ढंग से कभी नहीं होता, और तुम्हारी होने वाली संतान असाधारण होगी। असाधारण? तुम्हारी संतान भविष्य में सत्य का योद्धा बनेगी, और इस संसार में फैले हुए पाप का प्रतिकार करेगी। पहले रंजीत सिंह की शक्ल का मुझसे मिलना, फिर महागुरु का रंजीत सिंह के पास आना, और ये संतान, कहीं मैं तो नहीं वही संतान? उस महापुरुष की आंखों में सत्य का आलोक था। उसकी कही हर बात मुझे सत्य प्रतीत हो रही थी। तभी उन्होंने ऐसा चमत्कार किया जिसे देखकर मैं दंग रह गया। तुम जिनका रहस्य जानने यहां आए हो वो एक असाधारण शक्ति के स्वामी है। उनकी शक्ति के सामने तुम्हारी शक्ति क्षीण है। अतएव मैं तुम्हें कुछ देता हूं। ये ले लो। सत्य के इस युद्ध में ये तुम्हारी रक्षा करेगी। इसको कभी अपने से अलग मत होने देना। Thank you.
अजीत सिंह को दिव्य तलवार दी? अगर महागुरु ने मुझे उनके बारे में कभी बताया नहीं। क्या कह रहे हैं आप? हाँ? कुछ नहीं। के सारे अक्षर मिटे हुए हैं और बाकी के बचे पन्नों को दीमक चढ़ चुके हैं। बरसों शायद एक ही जगह पड़ी थी इसी वजह से। मैंने भी इसे अरसे से शायद लगभग 10-12 सालों से उलट पुलट कर नहीं देखा था। अब आप घबराइए मत, मुझे सब पता है। मैंने इसे कई बार पढ़ा है और उस वक्त तो मैं खुद मेजर साहब के साथ ही था। मुझे सब याद है। मैं बताता हूँ, ये आपने कहां तक पढ़ी थी? रंजीत सिंह को महापुरुष आकर दिव्य तलवार देते हैं और काराडुंगा से वापस जाने को मना करते हैं। हाँ, उसके बाद तो जैसे एक नया उत्साह आ गया था मेजर साहब में। रहस्य की तलाश में वो दिन रात एक करने लगे। अक्सर मुझे और नायब सूबेदार विशंबर को कभी भी अपने साथ लेकर निकल पड़ते थे काराडुंगा के जंगलों में। एक दिन यूं ही जंगलों में रहस्य की तलाश करते करते हम काफी दूर निकल गए। बने हुए पांव के निशान को देखकर चौंक पड़ा। मैंने तुरंत मेजर साहब को आवाज दी। मेजर साहब यहां आइए, ये देखिए। पांव का इतना बड़ा निशान, ये निशान किसी आम इंसान का नहीं हो सकता। लेकिन मेजर साहब, यह है किसी इंसान के ही पांव। इंसान के रूप में शैतान भी तो हो सकता है कासिम मियां। जी, ये निशान अभी सूखे नहीं है। और ये उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब है वो भारी भरकम शख्स आसपास ही कहीं होगा। हमें उसे ढूंढना चाहिए, मगर सावधानी से। आओ मेरे साथ। पर आकर कहां चला गया वो? अगर यहां से लौटा है तो फिर उसके लौटने के निशान जरूर होंगे। देखो कहीं। लेकिन लौटने के निशान तो कहीं नहीं मेजर साहब। अगर ऐसा है तो फिर वो यहां तक आया तो जरूर है, मगर यहां से वापस लौटा नहीं है। सर, अगर लौटा नहीं तो कहां गया? क्या उसे चट्टान निकल गई?
सकता है चट्टान उसे निगल गई हो। क्या उसे चट्टान कैसे निगल सकती है मेजर साहब? यहाँ कुछ भी हो सकता है विशंभर, ये मत भूलो कि ये कारा ढूंगा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जरूर इस चट्टान में कोई गुप्त दरवाजा है। गुप्त दरवाजा? हाँ, पुराने जमाने के राजे महाराजे ऐसे दरवाजों का इस्तेमाल किया करते थे जो बाहर से दिखने में तो किसी चट्टान या दीवार के समान ही दिखता था, मगर किसी खूंटे या लीवर के दबाते ही वो दरवाजे की तरह खुल जाता था। यहां भी कोई दरवाजा होगा और कोई ना कोई खूंटा आसपास जरूर होगा। जाओ तलाश करो। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई ऐसा दरवाजा है। दरवाजा नहीं है? जल्दी छिपो मियाँ, दरवाजा खुल रहा है। आओ मेरे साथ। इसके पैरों के निशान थे वो। दरवाजा खोलने की कोशिश करता हूं, तुम दोनों यहीं रहना। जी सर। चारों तरफ निगरानी रखना। पत्थर को घुमाया था उसने। Thank you.
पर गोलियों का असर नहीं हो रहा है। शंबर, इससे पहले कोई नई मुसीबत आन पड़े हमें दरवाजा खोलकर गुफा में घुस जाना चाहिए। लेकिन अंदर कौन कौन सी मुसीबतें उठानी पड़ेंगी मेजर साहब? कासिम का क्या होगा? हम यहाँ मुसीबतों के रहस्य जानने आए हैं विशंबर। रही बात कासिम की तो हम उसे लौटते वक्त अपने साथ में ले जाएंगे। जाओ चट्टान के पीछे छिपा दो उसे, क्विक। यस सर। Come on, quick, we don't have time, come on!